तो गाइस हमारे पास आज एक बहुत प्यारी कूल सी बाइक है जो लाइक मॉन्स्टर लुक में आती है और एक स्पोर्टी सेगमेंट से आप बोलते हो और जो अभी काफी ज्यादा फेमस हो रही है, लाइक चर्चे में बाइक है जो सबको पसंद रहती है, एक KTM सुपर बाइक में जो अब तो 390 सेगमेंट की है ये हमारे पास बाइक। तो इसकी कुछ लुक बहुत ज्यादा यूनिक सी लग रही है, कलर पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये ब्लू में विद ऑरेंज स्ट्राइप्स मिलते हैं आपको और एक मेटेलिक कलर आता है टैंक के ऊपर। बहुत प्यारी से कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे बाइक का ये। गाइस ये जो बाइक है ना ये फुल ऑफ फीचर्स के साथ आती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी पता लगी तो मैं इसकी वीडियो बनाने आया हूँ। तो इसमें इतने सारे फीचर्स मिलते हैं आई थिंक किसी और बाइक में मिलते होंगे क्योंकि ये 390 cc के इंजन के साथ और इतने सारे फीचर्स के लोडेड के साथ आती है। तो ये एक बहुत बढ़िया पैक रहने वाला किसी की बाइकर के लिए जिसे सुपर बाइक्स को बहुत ज़्यादा पसंद हो और उसका बजट कम हो और वो 390 cc में सुपर बाइक्स की फील लेना चाहता हो तो वो इस बाइक के साथ जा सकते हैं। अब मैं इस बाइक की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल मिलता है एंड आप इसके जो रियर सस्पेंशन और फ्रंट सस्पेंशन है उन्हें भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। आपको कितनी स्मूथनेस चाहिए, स्टिफनेस, तो अपने अकॉर्डिंगली दोनों जो रियर वाले हैं और जो फ्रंट है वो दोनों एडजस्ट कर सकते हो। बाइक के व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ इसमें क्या क्या फीचर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तीन मोड्स आते हैं, रेन, ट्रैक और स्ट्रीट। रेन मोड में पावर कम कम हो जाती है, इसकी 46 bhp है, रेन मोड में 30 bhp के अराउंड प्रोड्यूस करती है। ट्रैक मोड में पूरी रॉ हो जाती है, ABS ऑफ हो जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है इसका, पूरी रॉ मोड पे आ जाती है ट्रैक मोड पे। उसके बाद आता है आपका स्ट्रीट मोड। स्ट्रीट मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, कॉर्नरिंग ABS सारी चीज़ें एकदम एक्टिव हो जाती है जिससे कि हमें स्ट्रीट में पकड़ बनी रहे। सपोज दैट इन केस अगर किसी ने सडन ब्रेक मारना हो तो हमें सडन ब्रेक भी मार सके क्योंकि ABS इसमें बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सस्पेंशन एडजस्टेबल है, फ्रंट और देन बैक रियर, आप ऑन द गो एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको टूरिंग करना हो अपने बॉडी वेट अपने लगेज के अकॉर्डिंग तो आप रोड्स पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। सपोज डैट मैं यहाँ से लखनऊ जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे टारमैक का रोड सीधा मिलने वाला है तो मैं इसको हार्ड पे करूंगा जिससे कि अगर हल्का सा ही बम्प हो हाई स्पीड में तो मैं उसको एग्जॉर्ब कर सके मेरा सस्पेंशन। सॉफ्ट में ना हो जिससे कि मेरी गाड़ी अनकंफर्टेबल हो जाए। और सॉफ्ट का और एक और बेनिफिट है, अगर सपोज डेट मैं यहाँ से लद्दाख जा रहा हूँ या कहीं XYZ जगह भी जा रहा हूँ जहाँ पर ऑफ रोड है तो मैं इसको सॉफ्ट पे करूंगा जिससे कि मेरे सारा बम्प्स ये एग्जॉर्ब कर ले, मेरी मेरे हाथों पे कोई प्रेशर ना है, मैं आराम से इजीली इसको चला पाऊँ। थर्ड वन आपको इसमें मिलता है सेरेमिक ब्रेक पैड जो कि इस गाड़ी में ही आपको मिलता है। 320 mm डिस्प्ले के सेरेमिक ब्रेक पैड के साथ इसमें आपके पावर स्टॉपिंग बहुत तेज हो जाती है। इसमें आप ब्रेक मारोगे तो आपको लगेगा गाड़ी तो खड़ा हो जाएगा लेकिन आपके पीछे वाला ब्रेक मार पाएगा नहीं, इतनी कॉन्फिडेंट देता है ये। थर्ड वन अगर आप देखोगे इसमें मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी कंट्रोल। स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या होता है बहुत सारे व्यूवर्स को पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या होता है। मैं सपोज एक बाइक चला रहा हूँ ऊबड़ खाबड़ रोड पे, गड्ढे आ गए कुछ भी आ गया, मैंने सडन ब्रेक मारा तो स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या करता है कि मेरी बाइक मेरा स्पीड मेरा एंगल सब कुछ एडजस्ट करके बाइक को इस पोजिशन पर ब्रेक मारेगा जिससे कि गाड़ी फॉल ना हो। उसे कहते हैं मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्टेबल रखेगा गाड़ी को मतलब सीधा रखेगा अगर सरल भाषा में बताऊँ तो। उसके बाद आता है कॉर्नरिंग ABS। मेरे को कहीं कॉर्नरिंग में अगर मुझे मोड़ना होता है गाड़ी को तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉर्नरिंग ABS कि मैं किस एंगल पे गाड़ी मोड़ रहा हूँ अपने उस हिसाब से गाड़ी ब्रेक ABS काम करता है। थर्ड वन आया था आपका ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल पीछे वाले व्हील और आगे वाले व्हील की जो स्पीड होती है उन दोनों को बैलेंस करता है जिससे कि पीछे वाला व्हील स्किड ना हो। आपने बहुत बार देखा होगा स्लिपरी सरफेस में हम एक्सीलेटर दे देते हैं तो पीछे वाला व्हील हल्का सा स्लिप हो जाता है, वो होता है आपका मोटरसाइकिल वो क्या था भूल गया कट कर नहीं नहीं यार ट्रैक्शन कंट्रोल बोलते बोलते मैं खुद भूल गया ट्रैक्शन कंट्रोल ठीक है। हाँ जैसे कि आप देख सकते हो सर ट्रैक्शन कंट्रोल की मैं बात कर रहा था, आगे वाले व्हील पीछे वाले व्हील की बैलेंसिंग को मैच करता है ट्रैक्शन कंट्रोल। जैसे कि आप देखा होगा स्लिपरी सरफेस में अगर हम गाड़ी अगर एकदम से हम पिकअप लेते हैं तो पीछे वाला व्हील हमारा 2-3 बार राउंड होता है फिर आगे बढ़ता है, वो बंद करने के लिए कंट्रोल करने के लिए हम मोटरसाइकिल्स ट्रैक्शन कंट्रोल का यूज़ करते हैं। बाकी आप देख ही रहे अंडर वैली एग्जॉस्ट है, LC4C नया इंजन आया इसके साथ जो कि 46 bhp प्रोड्यूस करता है, 39 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपका। बाकी आपको इसमें ट्रैक मोड पे आपको लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है जो कि कावासाकी ZX10R वगैरह में मिलता है आपको। अगर मैं दिखाऊंगा आपको जैसे आपने ये ऑन किया, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपने इसको यहाँ से करोगे तो आप ये लॉन्च कंट्रोल आ जाता है आपका। लॉन्च कंट्रोल तभी आपका एक्टिवेट होगा जब आप इसको ट्रैक मोड पर करोगे। आपने ट्रैक मोड पे करा तब आपका लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट हो गया। इसमें क्या है कि आप सीधा लॉन्च कर सकते हो, गाड़ी व्हीली पॉप अप नहीं करेगी, ये सीधा स्ट्रेट वे में भागेगी एकदम 0 to 100 जितने भी आप सेकंड में अचीव करना चाहते हो उसे अचीव कर। इसकी जो लॉन्ग फेयरिंग है ये जो आप देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा लाइक बाहर की साइड आ रखी है जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है, तो ये एक मॉन्स्टर सी लुक दे रही है। और जो इसकी हेडलाइट का
जो डिजाइन है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी लाइट्स मिलते हैं, और ये आपको एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। जैसे कि मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो ये मिल गया आपको डीआरएल्स और ये हेडलाइट होगी, और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको एलईडी मिलते हैं। तो इसमें हजार्ड का भी ऑप्शन है, तो वो भी ऑन करता हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ लुक बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आ रही है। और इसमें आपको मोनोशॉक के सेंसर मिलते हैं, अप्स एंड डाउन साइड फोक्स जो होते हैं तो वो आपको मिलते हैं। और इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है वो काफी ज्यादा यूज सी लगी है, कर्व शेप में है। तो ये जो आप रेड कलर का स्विच देख रहे हो, तो ये इनसे आप एडजस्ट कर सकते हो, रेड एंड ये जो व्हाइट है यहाँ पर। तो ये भी आपको फीचर्स मिलता है। और ये 390 सेगमेंट में आपको सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आती है ये बाइक। फ्रंट एंड रेयर के साथ 17 इंचेस अलॉय मिलते हैं आपको, और फ्रंट जो टायर रहने वाला है वो 110 mm का रहने वाला है, और जो बैक टायर है वो 150 mm का है। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं एक बाइक में, जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है 13,000 समथिंग। एंड देन ऑन रोड जो यूपी में पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है आपको 3,69,000 रुपए, उसमें भी कुछ समथिंग होगा, बट बहुत अच्छे प्राइस रेंज में, और एक बहुत बीस्ट काइंड ऑफ मशीन जो डिजाइन और लुक वाइज जो आई कैची बाइक रहने वाली है 3,70,000 रुपए में मिल जाएगी। तो आप बताना अपना रिव्यू आपको कैसी लगी बाइक। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए